प्राइम रिपोर्टर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा सरोज, आइए नजर डालते हैं आज कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में की जनसभा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशी जया प्रदा के लिए वोट मांगा और मंच से अपनी सरकार से गुणगान किए, साथ ही अपने विपक्षियों पर निशाना भी साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा, हर जुबान पर एक ही शब्द है, सिर्फ मोदी। मोदी बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं को लाभार्थियों को पहुंचाने वाले नेता मोदी जी हैं। वहीं बिखरा हुआ विपक्ष के पास न नियत ठीक है और न ही नीति, और उन्हें जब भी सत्ता में रहने का अवसर मिला, अपने परिवार के लिए, स्वयं देश के लिए प्रदेश से लूटकर अपने परिवार के लोगों के लिए संपत्ति एकत्र की है। वो लोग अभी आज इस चुनाव में समर में है। हर जवान एक आवाज कहता है, मोदी मोदी मोदी। प्रधानमंत्री के रूप में उनकी पहली पसंद, और हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। दुनिया का सबसे तेजस्वी, दुनिया का सबसे ओजस्वी, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने वाला यशस्वी नेता, जिसके नेतृत्व में कोई संदेह नहीं कर सकता, जिनकी गरीब समर्थक नीतियों और भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में स्थापित करने वाली नीतियों पर, और जिनकी अपनी ईमानदारी की नियत पर कोई संदेह नहीं कर सकता है, ऐसा यशस्वी नेता भारतीय जनता पार्टी के पास, आप सबके पास है। दूसरी तरफ बिखरा हुआ विपक्ष, न नेतृत्व है, न नियत है, न कोई नीति है, और जब भी उन्हें सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ, अपने परिवार के लिए और अपने स्वयं के भाई भतीजों के लिए उन्होंने संपत्ति और देश और प्रदेश के संसाधनों में जो लूट का एक सिलसिला प्रारंभ किया, वे लोग भी आज इस चुनावी समर में आपके पास हैं। आपने देखा होगा, मोदी जी ने 5 वर्ष का कार्यकाल उन्हें प्राप्त हुआ। 5 वर्ष के दौरान मोदी जी ने देश को जाति, मत, मजहब या संप्रदाय के आधार पर नहीं देखा। उन्होंने पहले ही दिन इस बात को कहा कि मेरी सरकार आएगी तो देश के अंदर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए हम कार्य करेंगे। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं फलाने परिवार के लिए कार्य करूंगा, मैं फलानी जाति के लिए काम करूंगा, फलाने मजहब के लिए काम करूंगा। गरीब गरीब है, किसान किसान है, नौजवान नौजवान है। भारत माता की इन संतानों की आर्थिक स्वावलंबन के लिए, उनके सम्मान के लिए, नारी गरिमा के लिए कार्य करेंगे। मोदी जी का जो संकल्प था, उस संकल्प को 5 वर्षों तक उन्होंने साकार भी किया, और यही परिणाम है कि 5 वर्ष के उनके कार्यकाल के दौरान देश के अंदर 1.5 करोड़ गरीबों को आवास मिलते हैं, 4 करोड़ परिवारों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध होते हैं, 7 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध होता है, 9.5 करोड़ परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध होता है, 12.5 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपए सालाना देने की गारंटी प्राप्त होती है, 15 करोड़ नौजवानों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। रामपुर से परवेश अली की एक रिपोर्ट।